अपनी अलग कार्यशैली के लिए चर्चा में रहने वाले SDOP घाटीगांव संतोष कुमार पटेल का एक बार फिर सराहनीय काम सामने आया है। इस बार संतोष पटेल ने दो घरों को जोड़ने का काम किया है, जिसके चलते उनकी काफी प्रशंसा हो रही है। दरअसल पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। मामला पुलिस थाने से होकर जनसुनवाई तक पहुंच गया था, लेकिन उन्होंने मामले को ऐसे सुलझाया कि न सिर्फ टूटता परिवार बचा लिया बल्कि एक मासूम बच्चे का भविष्य भी संवार दिया। पुलिस के सामने ही दोनों ने एक दूसरे को फिर से माला पहनाई और मिठाई खिलाई। कहाँ तक पढ़ाई की हो? एमकॉम फाइनल। बहुत पढ़ाई की हो। क्या विवाद क्या हो गया था ससुराल से? मेरी पत्नी पति का झगड़ा हुआ था। जोर से जोर से बोला। तो अभी कहाँ, मायके में थे कि ससुराल में? हाँ, सोमवार को मारपीट की थी इन्होंने ज्यादा, मतलब मामला गर्म हो गया था तो घर मायके वाले आए थे, मुझे ले गए थे, तो अभी तो फिलहाल मायके में ही। जब मैं नहीं सह पाई 6 साल के बावजूद, तो फिर मैं उसमें गई थी जन सुनवाई में, तब मुझे एक साहब मिले, संतोष पटेल नाम है उनका, अधिकारी है। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया घाटी गाँव, मैं तो जानती भी नहीं थी, यहाँ आसपास मुझे कुछ पता भी नहीं है, तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। ऐसा लग रहा था कि आज ये रिश्ता टूट ही जाएगा, बनेगा ही नहीं। सर का एक बहुत बड़ा सहयोग रहा कि सर ने इतनी सहायता दी, इतनी मदद की सर ने, तो सर का हमेशा एहसान रहेगा और इन सर का एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। इन्होंने आज ये टूटता रिश्ता बचा लिया इन्होंने। घाटी गाँव के अनुविभागीय अधिकारी संतोष कुमार पटेल सुनवाई कर रहे थे। उनके सामने एक पारिवारिक मामला आया। एक महिला और उसके पति के बीच विवाद चला हुआ था। उन्होंने मामले की गंभीरता समझी और काउंसलर की भूमिका निभाते हुए दोनों परिवारों को बुलाया और लगभग 7 घंटे समझाया। मामला दोनों पक्षों के समझ में आ गया। SDOP कार्यालय में ही पति पत्नी सारे शिकवे भूल गए और एक साथ रहने का संकल्प लिया। मंगलवार को जन सुनवाई में पुलिस कंट्रोल रूम में एक शिकायत आई थी। एक लड़की अपने पिता के साथ आई, उसका कहना था कि ससुराल वाले मारपीट करते हैं और मैं उनके खिलाफ FIR लिखवाना चाहती हूँ। रो रही थी, उसके पिता भी बहुत क्रोधित थे। और जब मैंने आवेदन पढ़ा तो मुझे लगा कि इनका एक बच्चा है और ये उस बच्चे के सहारे इनका समझौता हो सकता है। तो मैंने अपने कार्यालय में बुलवाया था दोनों पक्ष को और लगातार 7 घंटे की मेरे सब इंस्पेक्टर अनवर खान साहब और जो दोनों पक्ष के थे, ससुराल पक्ष से थे उसके मामा मामी और लड़की का पिता था, आपस में बैठ के जब 7 घंटे की गहन चर्चा हुई तब जाके एक निष्कर्ष पे वो लोगों ने समझौता किया। दरअसल महिला श्वेता धाकड़ MCOM पास है जबकि उसका पति 11वीं पास है। उसमें किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था। दोनों को एक बेटा भी हुआ था, लेकिन झगड़े कम होने की बजाय बढ़ते गए और मामला अलग होने तक पहुंच गया। लेकिन SDOP संतोष पटेल ने फिर कुशलता दिखाते हुए अपनी अनूठी शैली में मामला सुलझा दिया। मामले का इतनी सुगमता से निपटारा होने के बाद जहां पति और पत्नी खुश हैं, तो वहीं दोनों परिवारों के चेहरे पर भी रौनक है। पंजाब के TV के लिए ग्वालियर से अंकुर जैन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।